सब्सक्राइब करें indiawatt.com यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiawatt.com। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आप मेरे Facebook ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इससे कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे साइट indiawatt.com पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम देखेंगे MPPSC ने सिविल असिस्टेंट इंजीनियर के 48 वैकेंसी निकाले हैं। तो इसे हम देखेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होगा। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम तीन फेज में होगा। फर्स्ट प्री एग्ज़ाम, प्री रिटन एग्ज़ाम, सेकेंड मेन रिटन एग्ज़ाम और थर्ड इंटरव्यू। दोस्तों, प्री एग्ज़ाम जो होगा 500 मार्क्स के होंगे, मेन रिटन एग्ज़ाम होंगे 600 मार्क्स के और इंटरव्यू 75 मार्क्स के। तो इसमें हम देखेंगे प्री एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, रिटन होंगे। इसमें दो पेपर होगा, देयर विल बी टू पेपर इन रिटन एग्ज़ाम। तो दोस्तों, इसमें दो पेपर होंगे, ईच पेपर का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 40% मार्क्स और अगर SC ST OBC है तो 30% मार्क्स। तो दोस्तों, हम प्री का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि प्री का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, पेपर वन में जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, जिसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए होगा जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया और प्रेफरेंस होगा MP पे, मतलब सबसे ज़्यादा आपको MP बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मध्य प्रदेश के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसकी जनरल स्टडी के बारे में पूछी जाएगी। सेकेंड सेक्शन होगा हिंदी लैंग्वेज और थर्ड सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ कि सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी हिंदी लैंग्वेज होगा जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। और सेक्शन सी होगा इंग्लिश लैंग्वेज जो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और फिर हम पेपर टू के बारे में देखेंगे, इंजीनियरिंग सिविल के बारे में पूछा जाएगा जो 100 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स है। तो टोटल 500 मार्क्स के आपको प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम देख लें सेक्शन ए का सिलेबस क्या है। तो सेक्शन ए में दोस्तों आपको जनरल स्टडीज पर ध्यान देना पड़ेगा और जनरल स्टडीज जो MP पे फोकस कर रहा हो। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, उसका एरिया, ट्रोपोग्राफी एंड स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड ज्योग्राफी एरिया एंड क्लाइमेट। सेकेंड देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ, एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाटर रिसोर्स। दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे थर्ड, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी क्या है, लेबर क्या है, ये सब मध्य प्रदेश से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर भूलिएगा नहीं, ये MPPSC कंडक्ट करवा रही है तो फुल्ली MP पे बेस्ड इसका GK क्वेश्चन बनेगा। फोर्थ होगा एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें हम देखेंगे एनर्जी के बारे में कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या है और इसके कितने सोर्सेज। दोस्तों, अब फिर से मैं बता दूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेना। और पांचवा सेक्शन है इंडस्ट्री के बारे में कि वहाँ कितनी इंडस्ट्री है, जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट अबाउट द टाइप्स एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। और सिक्स है इन्वायरमेंट में भी आपको पूछा जाएगा वहाँ के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन, नेचुरल क्लाइमेट एंड इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, आप इसे नोट डाउन कर लेना। और आप नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें आपको, इसमें भी मध्य प्रदेश की प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन के बारे में पूछा जाएगा, एट वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ कंट्री। आठवां जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। नाइन्थ सेक्शन जो है वो रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। दोस्तों, इस पर नोट डाउन कर लेना। 10 ये जनरल स्टडी, ये भी है गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और 11th सेक्शन जो है कल्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं सेक्शन बी हिंदी के बारे में। तो हिंदी में आपको दोस्तों व्याकरण संबंधी 19 प्रश्न, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, कारक आधारित 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य संरचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य अशुद्धि,
शब्दगत अशुद्धि तत्सम एवं तद्भव से संबंधित 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। परिभाषिक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, कहावत, प्रारूप लेखन, संक्षेपण आधारित प्रश्न होंगे। और उसके बाद आपको अपठित गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे सारांश से, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। हम दोस्तों जनरल इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे जो सेक्शन सी है। इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो होगा 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। अप्लाइड ग्रामर कंटेनिंग टॉपिक लाइक पार्ट ऑफ स्पीच, वोकेबुलरी, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद क्वेश्चन ऑन रीडिंग कंप्रीहेंशन। दोस्तों आपको अपने इंग्लिश का सिलेबस देख लिया, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। अब हम दोस्त देखेंगे पेपर 2 सिविल के बारे में। तो जो इसका सिलेबस होगा वो मेंस से रिलेटेड सिलेबस होगा। अगर आप मेंस पे तैयारी करते हैं तो ये इसका आपका तैयारी हो जाएगा। तो हम आगे देखेंगे मेंस के सिलेबस के बारे में। तो मेंस एग्जाम कैसे होगा दोस्तों, ये होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। और इसमें क्या होगा, 2 पेपर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट होंगे, मतलब ईच सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। और इसमें दोस्तों क्या होगा, ईच पेपर विल कैरी 50 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स, मतलब ईच पेपर 50 क्वेश्चन कैरी करेंगे और 300 मार्क्स होंगे। और इसमें दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स फॉर जनरल एंड SC ST OBC के लिए 30% मार्क्स। तो यहाँ हम सिलेबस देखेंगे, मेन का सिलेबस देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूँ ये सिविल इंजीनियरिंग का है, तो इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे मेंस का अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपको प्री का भी तैयार हो जाएगा। तो आप इसमें सिलेबस देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वर्चुअल वर्क, एनर्जी थ्योरम, डिफ्लेशन ऑफ ट्रसेज, एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड इनडिटर्मिनेंट आर्चेज, डिटर्मिनेशन बीम, पिन जॉइंट फ्रेम, स्लोप डिफ्लेक्शन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कार्निज मेथड, कॉलम एनालॉजी, एनर्जी मेथड, मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ बीम, फ्रेम एंड ट्रसेज, एलिमेंट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें। और हम दूसरा देखेंगे स्ट्रक्चर डिजाइन। ये पेपर 1 में ही पूछे जाएंगे, 3 सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में 2 सेक्शन होंगे, स्टील डिजाइन और RC डिजाइन के। तो स्टील डिजाइन में फैक्टर्स एंड सेफ्टी ऑफ लोड फैक्टर्स, रिवेटेड एंड बेल्टेड कनेक्शन ऑफ मेंबर, डिजाइन टेंशन, कंप्रेशन एंड फ्लेक्सर मेंबर, बिल्ट अप बीम एंड प्लेट। तो ये सारी सिलेबस आप इसे नोट डाउन कर लें। और RC डिजाइन में वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ रेक्टेंगल, TNL बीम्स, स्लैब एंड कॉलम्स, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन, ओवरहेड रेस्टिंग एंड ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सारे आप नोट डाउन कर लें। ये दोनों, ये हो गए आपके स्ट्रक्चरल डिजाइन के 2 सब्जेक्ट। तीसरा दोस्तों का कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये पेपर 1 के ही सिलेबस है दोस्तों। इसमें होगा डिटेल एस्टिमेट, स्पेसिफिकेशन एनालिसिस एंड रेट्स ऑफ वेरियस वर्क इन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, शेड्यूलिंग थ्रू CPM, पार्ट एनालिसिस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन थ्रू नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, फ्लोट टाइम्स, बार चार्ट, प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन, कॉस्ट रिडक्शन मेजर, कॉस्ट एनालिसिस एंड रिसोर्स एलोकेशन, फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, मेथड ऑफ अप्रेजल, प्रेजेंट वर्क, एनुअल कॉस्ट, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। तो दोस्तों एक बार इसे आप नोट डाउन कर ले जो आपके लिए जरूरी है। दोस्तों चौथा पेपर जो आपको होगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 4th सब्जेक्ट जो है पेपर 1 में, उसमें वाटर डिमांड, पर कैपिटा डिमांड, पॉपुलेशन एस्टिमेट मेथड, वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस यूजर्स, डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक, इरिगेशन इफेक्ट एंड सिग्निफिकेंस, ये सारी सिलेबस है आप दोस्तों। इसमें इसको आप VOD है, CODE, TOC, NOD, वेस्ट स्टेबलाइजेशन, पॉन्ड्स एरोबिक एनोरोबिक। तो दोस्तों ये सारी सिलेबस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसे आप एक बार नोट डाउन कर लें और इसे एक बार पढ़ लें। अब हम देखेंगे पेपर 2 मेंस में, जो आपका पेपर 2 होगा उसमें आपका पहला सब्जेक्ट होगा दोस्तों वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग WRE। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों सिलेबस, इसका सिलेबस क्या है। तो वाटर रिसोर्स इन द ग्लोब, अवेलेबल फ्रेश वाटर, नीड फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल वाटर, स्कीम फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, हाइड्रो पावर,
मल्टीपर्पस स्कीम, इरिगेशन नेसेसिटी, स्कोप बेनिफिट ऑफ इफेक्ट, मेथड एंड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो दोस्तों ये सारी सिलेबस आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का हो गया, जो इसे आप नोट डाउन कर लें। और दूसरा सब्जेक्ट आएगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में इसे आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। इसमें रेलवेज स्लीपर, रेलवेज बॉलेज पॉइंट क्रॉसिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्न आउट स्टेशन एंड यार्ड्स, हाईवे एंड एयरपोर्ट्स, ट्रैफिक सर्वे, हाईवे कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोटरी डिजाइन एलिमेंट्स, बहुत सारे आप इसमें जो टॉपिक है इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड हो गया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक के बारे में इसे पूछा जाएगा, जिसे सॉइल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें होगा इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्ले मिनरल्स, कैपिलरी वाटर, परमेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, लैब एंड फील्ड मेथड्स, परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट। तो ये सारी सिलेबस आपको दोस्तों जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के, सेटलमेंट कंप्यूटेशन, टाइम सेटलमेंट कर्व, कंपैक्शन टेस्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस, लेट लोड टेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, ये सारी सिलेबस दोस्तों आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के, इसे आप एक बार नोट डाउन कर लें। तो थैंक यू दोस्तों आपको देखने के लिए। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगला वीडियो कल लेके आऊँगा, उसमें MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा। और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।